और ईवी आ गए भाई रास्ते चढ़ेगी। सो गाइस कौन कहता है कि मेबैक में एक फ्यूचर जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस आता है, मैं आपको दिखाता हूँ ईवी के अंदर। देखो है ना अपनी मेबैक से ज्यादा अच्छी टाटा की मेबैक। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, दिस इज योर होस्ट अरबाज नोन एज इंडिया ऑन टू वेस और अपने भाई अपने साथ। सो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? तो बहुत बढ़िया। तो टाटा की ईवी, टाटा नेक्सोन ईवी बेसिक ईवी मैक्स तो इसकी ड्रैग रेस होने वाली है स्कोडा स्लाविया के साथ में। तो मैं बैक कैमरा ऑन करके एक बार ये थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन भाई बता देंगे थोड़ा सा। सो ये गाड़ी बिलोंग करती है अपने भाई को, तो बताओ इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इस गाड़ी के बारे में। बेसिकली क्या है, दो मॉडल आते हैं, ईवी प्राइम एक ईवी मैक्स। ओके, तो प्राइम 30 किलोवाट बैटरी डालती है और मैक्स आपकी 40 किलोवाट और ऑल फोर डिस्क होती है। बड़ी गाड़ी रुक भी जाए, 140 स्टॉप स्पीड है और 140 bhp है। बस यही है, ये शॉर्ट ही है, कुछ ज़्यादा इस गाड़ी में है नहीं। इनफ है वैसे गाड़ी में। मतलब जैसे अगर मैंने आज मान के चलो ड्रैग में 40 तक में स्लाविया को पीछे भी कर दिया ना, मेरे को अंदर से वो चीज़ ही नहीं होगी क्योंकि फील ही नहीं है वो सीधे सूट में मेट्रो की तरह भागती है। हाँ, मेट्रो की तरह स्पीडअप ही होता जाएगा बस। आज भी मेट्रो वाली है, कुछ नहीं है। तो भाई स्कोडा स्लाविया 1.5 है ना ये? 150 bhp 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। भाई ने बता दी इन्फॉर्मेशन, मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, बस इतना पता था कि 1.5 है। बाकी प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि स्कोडा स्लाविया वर्सेस वो खड़ी वोल्टेस, उनका ड्रैग रेस हुआ था, तो वो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लो। अभी इसमें ड्रैग रेस होने वाली है अपने टाटा नेक्सोन ईवी वर्सेस स्कोडा स्लाविया 1.5। तो बहुत ज़्यादा यूनिक सा कंटेंट है ये वाला इस बार। सो लेट्स सी क्या रहेगा रिजल्ट, ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार चलते हैं। सो ये रही अपनी सारी की सारी ऑडियंस। भाई क्या लगता है, मतलब इस बार शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा कि टाटा की ईवी और वर्सेस स्कोडा स्लाविया कुछ कहना बेकार है मेरे ख्याल से। अभी भाई इनिशियल तो जाने ही देगी नेक्स्ट, इनिशियल मेरे ख्याल से टाटा निकल जाएगी राइट? ख्याल से नहीं, डन है। चलो भाई मुझे देखना पड़ेगा शायद, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड लेट्स सी, इन्होंने बताई दिया कि टाटा की ईवी जो है वो इनिशियल में जाएगी, बाकी टॉप एंड में तो फोर श्योर स्कोडा स्लाविया। एंड लेट्स सी अभी क्या रिजल्ट इनका रहने वाला है। तो भाई मैं बैठ रहा हूँ ईवी के अंदर, टाटा नेक्सोन ईवी। ये इंटीरियर तो बहुत अच्छा है इसका गाड़ी का, ये वेंटिलेटेड सीट्स भी है इसमें। अरे यार बहुत अच्छी गाड़ी में वो है, अभी मैं उस गाड़ी में आके बैठ। तब तक आप इसका मीटर वगैरह देख लो। एंड सनरूफ तो उसके अंदर आता ही है गाड़ी के अंदर। वहाँ पे चल रही है थोड़ी चिट चैट। भाई इसकी सर्विस पे क्या इंजन ऑयल चेंज होता होगा? इंजन ही नहीं है। फिर क्या सर्विस? कूलेंट वगैरह, ब्रेक पैड तो चलो अभी बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कूलेंट ही होता है। और सर्विस कितने में हो जाती है? बहुत सस्ती है, मिनिमल जो लेबर चार्ज मैक्सिमम 4-5 हज़ार भी नहीं लगते। हाँ बहुत सस्ती है सर, फिर भी 4-5 हज़ार तो महंगे हैं। एक दो भाई, ये तो स्टार्टिंग में भी नहीं जा रही यार। अरे ओ भाई ये क्या बिजली सी है, 100 चढ़गी पर 100 तो चढ़ेगी, वो उसकी गियर शिफ्ट भाई साहब, भाई अरे निकल रही है। ये तो भाई टॉप स्पीड चेक होगी ईवी की, अब तो पहुंच गई, अब नहीं जाने देगी। बस 140 टॉप स्पीड है भाई, अब देख ले रहा हूँ। तो भाई ये ड्रैग रेस कम टॉप स्पीड टेस्ट ज्यादा वो तो हर उसमें तो अभी भी यहाँ से भाई इसमें मेरे ख्याल से वेट का भी हो सकता है यार। वेट का नहीं, उसकी गियर शिफ्ट ज्यादा हो रही है जल्दी, नहीं तो उनका लॉन्च जल्दी हुआ है वो इस चक्कर में, क्योंकि सांस तो मैं देख रहा हूँ वो भी नहीं लेने दे रही, बट निकल जाएगी आगे इसको लॉन्च करो। स्पोर्ट्स मोड था जितना हो सकता है इसका, एसी भी ऑफ था, सब ऑफ है अभी, अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे चल रही है भाई। अपना भी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि देखो साफ सी बात है ब्रेक दो, हमने और गाड़ियाँ घोड़े बहुत चला ली ईवी पे, अपना ये नेक्सोन ईवी मैंने आज फर्स्ट टाइम चलाई थी, मैं कुछ चला के देख ली थी थोड़ा। ओ भाई भाई इसकी शायद अलाइनमेंट आउट हो रखी थोड़ी है ना, टाटा थिंग्स स्टीयरिंग आप गाड़ी से यार कितना टाइट हो रखा है स्टीयरिंग। हाँ अरे इसका क्या है, सीधी भी चलाओ ना तो भी स्टीयरिंग टेढ़ा है भाई यार, ये तो पता ही नहीं चलता जब ही चढ़ जाती है 110 होगी। बिल्कुल नहीं, बहुत मतलब मारो एक बार पंजा मारो, अब मारो देखो, देख लो भाई वापस, बस भाई ब्रेक ले लो। वो भाई इसमें तो गाने ना चलाओ ना तो बिल्कुल ही वो तेल चढ़ जाए। मेट्रो सी है मेरा, मेरा फर्स्ट राउंड था भाई, जीती तो वही है लॉन्च में, तो यही निकलेगी सबसे आगे। अभी इसको लॉन्च करा नहीं, बाकी जीते जो सलावी है लॉन्च करा ही नहीं, उसको लॉन्च नहीं किया, लॉन्च नहीं करा अभी हमने, नॉर्मल उठाई है। लॉन्च करो उसको, लॉन्च करो भाई,
करो भाई लॉन्च करो, निकाल सकते हो खींच दो उसी में। अभी खेची भाई, अब खेची भी हिल स्पिन आई है, लॉन्च में को करना है। स्पोर्ट्स मोड लगा रहे हैं, तुम भी स्पोर्ट्स मोड लगा दो। आईडी पे थी ये, भाई ये भी डी पे थी। कौन सा मोड था भाई ये? ड्राइव हैं भाई, मैं कह रहा हूँ बेच दो वर्टिस, ये ले लो मजाक चल के। अब तो ये कुछ और गति है, ओ प्रथम वाली ज्यादा ट्यून होगी भाई। वर्टिस बिक्री अपने लेते हैं इसकी, इसकी इसका शेयरिंग भी अच्छा है भाई। फिलहाल जो ना फर्स्ट राउंड कर लिया, अब सेकंड राउंड में ना इसको वैसे लॉन्च करेंगे एग्रेसिव वाली जो है ना, यूं एग्रेसिव वाली, ठीक है। इसको हमने कर दिया डी पे, देखते हैं भाई अभी कैसे लॉन्च करवाएंगे। एक एक वन, अरे भाई ये तो पहले निकली। ओ भाई तो पागल होगी। अरे भाई 110, 120, 130, 140 भाई वो तो अब भी नहीं दिख रही। मैं सोच रहा ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। अरे भाई भाई ये क्या मतलब कैसे कराइए? पावर लगना शुरू होगी थी गाड़ी में, बस इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक दबा के रख रखी थी, मतलब ऊपर कर रखी थी तो ब्रेक लग रखी है, और यहाँ पे आपने देखा था वो पावर ऊपर बढ़ रही थी आरपीएम के फॉर्म में, मतलब प्रॉपर लॉन्च कर दिया आपने इसको। वो तो लॉन्चिंग मैं बोला ही, अब अगर उन्होंने लॉन्च कर दी ना फिर हम पीछे हो जाएंगे। और भाई तो 140 पे है ना वो, यूं जैसे वो 200 पे चलती है ना, ये वाला हिसाब किताब हो जाता है। अरे लिमिटर है ना वो, ऐसा फील होता है, बट गाड़ी स्टेबल है, ये रोड छोटी है, अगर फिर भी थोड़ी हल्की हल्की लगती है, स्टीयरिंग बेकार है ना इसका। अभी देखो फिर से देखो, ओ भाई अल्टीमेट, ये देखना इसका हैंडल कैसा टेढ़ा, हैंडल भी टेढ़ा हो रखा है भाई इसका भाई, तो मैंने बताया ये देखो कैसा हो रखा है, सट जाएगी। भाई ये तो टॉप स्पीड तो मैं ऐसे चला देते हैं गाड़ी, देख लो छोटी बातचीत तो है ही नहीं, छोटे स्लो तो हम चलाते ही नहीं है भाई, चलाएंगे तो 150। इस वाले राउंड की जो विनर है वो रही अपनी टाटा ईवी। कोई लॉन्च नहीं हुई पहले, कोई लॉन्च नहीं हुई पहले, सब ठीक था। चलो दोबारा कर लो, स्पोर्ट्स मोड ही रखेंगे ठीक है, हम भी लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स में जाएगी नहीं मेरे को पता है, लेकिन इसमें लॉन्च हुई थी भाई। देखो पता है क्या है, अब अगर नेक्सॉन हार जाती है ना तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैंने पहले ही कही थी ब्लैक कलर की कड़वाल, ब्लैक कलर की, ये तो वाइट है ससुरी। प्रथम भाई फिर ब्लैक में बैठ जाते हैं। क्या क्या देख रहा है वो, इतनी टेस्टिंग टेस्टिंग चल रही है वो लॉन्च करना सीख रहे भाई, इतनी महंगी गाड़ी पहली बार बैठ रहे समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। डी पे करो, अब क्या करेंगे अब हम, अब हम ऐसे लॉन्च कर देंगे किसी ने सोची नहीं होगी। स्लाविया वालों तुम साइड में देखते रहना, किसी ने सोची नहीं होगी, ऐसी कैड़ी बातचीत घुमा देंगे। डन भाई ने डन बोल दिया, अब देखते हैं। चलो भाई अब शुरू करो, अब दिखाते हैं तुमको नजारे, फुल नजारे जिंदगी के। ये देखो ये पावर दे रही है ग्रीन से, फॉर व्यूअर्स इतनी पावर दिखा देंगे। रेडी है भाई हम तो रेडी हैं। 3, 2, 1 साथ साथ लॉन्च हुई है और ईवी आगे। भाई रास्ते चढ़ गई 90, 110, 120, 130, 140 अब जाएगी। 140 के बाद क्रॉस कर देते हैं। मैंने तो पहले ही कही थी व्हाइट कलर की कटवा लो, व्हाइट कलर की। अब नहीं जाने थी। ड्रैग रेस तो वैसे 400 मीटर के हिसाब से तुम जीत गए। जीत गए। 400 मीटर के हिसाब से जीत गए वो तो हम। ये तो क्योंकि इसका तो टॉप एंड ही हो गया फिर ये। ये तो पूरी यहाँ तक जाती है भाई। भाई 160 तक दिखा कर रखी, 160 तो ना जाए। स्लोप पे जाएगी ना, कभी मान के चलो फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हो तो इतना कौन करेगा भाई। वैसे हाईवे पे चला के देख ली इतनी। ना ना मैंने 142 तक चलाई है, हल्की सी आगे जाती है। सो गाइस एज पर द ड्रैग रेस ये अपनी विनर है, और अगर टॉप एंड की बात करें तो ऑफकोर्स फिर स्लाविया, तो फिर वो तो और ज्यादा ही आगे, डबल जाएगी वो तो फिर आगे।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नेक्सॉन थी अपनी मतलब ईवी, ये मतलब इनिशियल अगर एक्चुअल ड्रैग रेस की हम बात करें तो यही विनर है। बाकी यार वो स्कोडा स्लाविया 1.5 एंड पेट्रोल है तो ऑफकोर्स उसको पावर मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी, बट इसकी एक लिमिट है, 140 के ऊपर ये गाड़ी भागती नहीं है। 140 तक ना मतलब इसने छक्के छुड़ा दिए हर किसी के। हम अंदर बैठे थे और जो हमें जर्क मिल रहा था ना इनिशियल में, यार इनिशियल पिकअप इसका बहुत ज़्यादा हाई था। बाकी वो 140 के बाद निकल रही है, बट 140 तक यही विनर है। तो आज की जो विनर रही है वो अपनी टाटा ईवी 140 ड्रैग रेस के लिए। तो होप करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज इंडिया ऑन टू व्हील्स, बाय बाय।